अंबिकापुर में सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले सहायक शिक्षकों ने पदोन्नति के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सहायक शिक्षकों ने जल्द पदोन्नति आदेश देने की मांग की है। इस पूरे मामले में प्रभारी कलेक्टर विश्वदीप ने बताया कि पदोन्नति के संबंध में जो भी आदेश निकाले गए थे उसमें काफी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसे देखते हुए पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया। जी, हमारी समस्या ये है और हमारी मांग कह लीजिए कि सहायक शिक्षकों की पदोन्नति जो है प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक पद पर वर्षों बाद हुई है और उसका पदोन्नति आदेश 2 तारीख को जारी हो चुका है, पर उसे प्रसारित नहीं किया गया है और प्रसारित ना होने के कारण साथियों में अब भ्रम की स्थिति है कि सूची क्या बनी है, कैसी बनी है, कहाँ पर पदस्थापना दी गई है और क्यों अभी तक प्रसारित नहीं की गई है। तो इन सब मांग को लेकर के ही हम आज कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि जो सूची बनाई गई है, जो पदस्थापना आदेश बनाया गया है, उसे जल्द से जल्द प्रसारित किया जाए ताकि सभी सहायक शिक्षक अपना पदस्थापना देख सकें। उनकी मांग ये थी कि अभी शासन की तरफ से जैसा कि निर्देश आया है, सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के रूप में जो भी पात्र लोग हैं उनको पदोन्नति दी जानी है। तो इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2/11/2022 को आदेश जारी हुआ था, पदोन्नति आदेश, लेकिन इस संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जो कुछ लोगों की शिक्षकों की पदस्थापना है वो शासन के नियमों के आधार पर नहीं की गई थी, तो ये इस संदर्भ में अभी 4/11/2022 को ये जो आदेश जारी हुआ था इसको निरस्त किया गया है। अब इसको काउंसलिंग के माध्यम से सभी शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी और पदोन्नति आदेश जारी किया जाएगा।